नमस्कार, मैं उजिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर में प्रेमी युगल ने कुएं में कूद कर की आत्महत्या करने की कोशिश। नाबालिग प्रेमी की मौत, वहीं युवती को बचाया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास वार्ड में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग प्रेमी जोड़ों ने कुएं में कूद गए। युवक और युवती का प्रेम प्रसंग बहुत समय से चल रहा था, किसी बात को लेकर आज झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसकी वजह से नाबालिग युवक की मौत हो गई। नाबालिग युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नाबालिगों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज कुएं में नाबालिग युवक के शव मिले, क्या मामला? इसमें थाना मोती नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक कुएं में किसी लड़की को देखा गया है, तो वहां से मोहल्ले वालों और पुलिस वाले द्वारा रेस्क्यू करके निकाला गया था। दीक्षा शर्मा नाम की लड़की है, 18 वर्ष की उम्र है, और उसी से जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी कुएं में उसके साथ में एक हिमांशु पटेल कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसकी उम्र लगभग 17-18 के बाद उसने भी कूदे थे, या जो भी हो जैसी परिस्थिति में कुएं में गई, तो उसका तो शव जो है कुएं में पाया गया है। बाकी लड़की जो है जीवित अवस्था में मिली थी, और संभवतः इनके आपसी कोई संबंध रहे हैं, जिसके चलते दोनों ने एक साथ जो है ये निर्णय लिए कार्रवाई की। सर, लड़का लड़की नाबालिग है या लड़की? अभी अपने आपको जो प्रथम दृष्टया बता रही है 18 वर्ष की, और लड़का संभवतः हो सकता है नाबालिग हो, लेकिन बाकी तो डॉक्यूमेंट्स देखने की स्थिति।